हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल यामी वाइब्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू माय रिव्यू अबाउट दिस टी ट्री ऑयल एंड इट्स फ्रॉम वृषविंदा 100% नेचुरल एंड प्योर टी ट्री ऑयल। तो आज मैं इसी का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना रिव्यू विद दिस प्रोडक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो गाइज। So here I'm having this product guys, Vrishvinda 100% natural and pure tea tree oil. It's a essential oil guys and आप सभी को पता होगा कि टी ट्री ऑयल एक essential oil भी होता है। Like mists भी आते हैं and toners भी आते हैं टी ट्री के, but it's a essential oil and इसकी जो quantity है वो है 15 ml की and इसकी जो MRP है वो है 399 रुपीज़ की guys। और मैंने इसे लास्ट मंथ ही परचेज़ किया है एंड मैं इसे यूज़ कर रही हूँ लास्ट मंथ से। एक महीना हुआ है मुझे इसे यूज़ करते हुए और मुझे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं। तो गाइज़ आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट फॉर एवरीबडी एंड इसका जो MRP है वो है 399 रुपीज़, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने इसे सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में लिया है। यस, मैंने इसे सिर्फ 99 रुपीज़ में लिया है। अगर आपको बाय करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से इसे बाय कर सकते हैं गाइज़। एंड दिस वन इज़ अमेजिंग। मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे थे मेरे फेस पर, इसलिए मैंने इस ऑयल को परचेज़ किया, इस एसेंशियल ऑयल को। तो मैं काफ़ी अफोर्डेबल ढूंढ रही थी क्योंकि उस वक्त मेरा इतना बजट नहीं था कि मैं एक्सपेंसिव बाय कर सकूँ कि बिकॉज जितने भी एसेंशियल ऑयल होते हैं वो 400-500 से अबव ही होते हैं। तो मुझे अमेज़ोन पर ये प्रोडक्ट मिला जिससे मैंने यूज़ किया और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। मैंने इसे अपने पिंपल पर डायरेक्ट भी अप्लाई किया तो मुझे कोई ऐसा रिएक्शन नहीं हुआ। तो आपको भी, आप भी इस तरह से लगा सकते हो, बट एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। और ये काफ़ी अच्छा एसेंशियल ऑयल है और गाइज़ ये कोई स्पॉन्सर्ड या पेड वीडियो नहीं है, मैंने इसे पर्सनली यूज़ किया है, मुझे काफ़ी इफ़ेक्टिव लगा एंड आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू एवरीबडी। जिन्हें भी टी ट्री एसेंशियल ऑयल चाहिए और अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए तो उनके लिए काफ़ी बेस्ट प्रोडक्ट है गाइज़। इट्स 100% नेचुरल टी ट्री ऑयल एंड आप इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इसे अरोमा थेरेपी ले सकते हैं, ठीक है, स्टीम ले सकते हैं एंड आप जो भी आपका अफेक्टेड एरिया, लाइक आपको एक्ने है, पिंपल है, आप उस तरह उस पर इसे लगा सकते हैं कॉटन की हेल्प से। एंड आप अपने हेयर्स पर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है। वोंड पे नहीं कह रही हूँ, अगर आपको कोई चोट वगैरह लगी है सर पर तो इसका यूज़ ना करें प्लीज़, हाँ। और अगर आपको ऐसी इचीनेस रहती है हेड हेयर्स में, ठीक है, स्कैल्प में, तो आप डेफिनेटली इसका यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज़ मैं आपको इसकी पैकेजिंग दिखा देती हूँ कि किस तरह की होती है। इस तरह की एक डार्क कलर की बॉटल में आता है ये टी ट्री ऑयल और काफ़ी इफ़ेक्टिव है गाइज़। आप 100% ट्रस्ट कर सकते हैं इस प्रोडक्ट पर बिकॉज आई नो कि ये चीप प्राइस में आ रहा है और मे बी सबको अपनी स्किन के लिए सब कॉन्शियस होते हैं, बट गाइज दिस वन इज़ सो अमेजिंग, ट्रस्ट मी। यू नो, इतने अफोर्डेबल प्राइस में इतनी अच्छी चीज़ आपको मिल रही है तो उससे बेहतर क्या चाहिए। नहीं, कभी कभी चीप प्राइस में भी आपको अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं तो कभी कभी रिस्क ले लेना चाहिए। तो सी गाइज, अगर आपको दिख रहा होगा वीडियो में कि किस तरह से ये खुद स्प्रेड हो जाएगा, मुझे अपना हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप स्प्रेड हो जाएगा। बट गाइज़ ये याद रखिएगा कि आपको इसे अपनी आंखों के आसपास नहीं लगाना है, चाहे आपको एक्ने भी है, क्योंकि मे बी आपको सेंसेशन हो सकती है, मे बी बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, ठीक है। और काफ़ी इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट है गाइज़। आई जस्ट रिकमेंड टू एवरीबडी जिन्हें भी एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है और जिन्हें भी पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रही है, गो फॉर इट गाइज़। इट्स रियली अमेजिंग प्रोडक्ट। मैं इसे फेस पैक में डालकर भी यूज़ करती हूँ और ये काफ़ी इफेक्टिव प्रोडक्ट है एंड आई डेफिनेटली रिकमेंड टू एवरीबडी हु इज़ फेसिंग स्किन प्रॉब्लम्स एंड दिस इज़ अमेजिंग प्रोडक्ट, गो फॉर इट गाइज। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए